अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर उस अम्मा जी के पास मौजूद हैं, अक्सर अम्मा जी के पास आते रहते हैं, फिर अम्मा जी के पास दोबारा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा फिर राशन जैसे बाकी किसी को मिले ना मिले, किसी के पास जाए ना जाए, अम्मा जी के पास लाजमी आते हैं, क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं होता कि किसी को राशन दें या ना दें। जो अगर एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला जिसके लिए वसीला बनाते हैं उसी के लिए जो है वसीला बन जाता है, उसी के पास राशन पहुंच जाता है। और दूसरी ये बात यह है कि अगर कोई किसी को मतलब देख के पसंद कर लेता है कि ये जो है मैं इनकी मदद करूंगा, तो फिर वो मुसलसल उनकी मदद करना चाहता है। जैसे कि सिस्टर हमीदा खातून है, से वो अम्मा जी के लिए जो है राशन हर महीने अम्मा जी के लिए राशन लाजमी भेजती रहती हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी मुश्किल आसान करें। बाकी अम्मा जी से थोड़ी बात कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सलाम। की हाल है अम्मा जी, ठीक हो? शुक्र है पुत्र। बीबी को दुआ करें, उठते बहाने दुआ करें, सोना अल्लाह पाक आला मियां को पोता देवे, भलाई गरीब दे तरस करें बेटी। शुक्र है लख एहसान है, बच्चे को दुआ करें उठते बहाने। हूँ सी सर्दी है, हूँ देखे तो बाल बीमार, आप बीमार हूँ, सास और नियम दे। हूँ क्या करिए, हूँ कहे क्या एक न्याणा कमाने वाला उनके पिछे टब्बर वा पूरे नहीं होंगी, कहे बंदा क्या करे ते क्या ना करे। अम्मा जी कह रही है कि जाहिर है इनकी बहू है, बच्चे हैं, और एक जो बेटा है जो उसका भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है, माजूर है, वो सही तरीके से काम भी नहीं कर सकता, वही बेटा है कमाने वाला, दोनों ये बूढ़े हैं। तो अगर जो है सिस्टर हमीदा खातून हमें ना हेल्प करती तो हम मतलब कुछ करने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला उसके इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी मुश्किल आसान करे कि वो जो है हर महीने हमें राशन और पैसे वगैरह भेजती रहती है, तो हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िंदगी का सरकट चल रहा है। अम्मा जी हूँ फिर तेरी बेटी हमीदा खातून ने तेरे वास्ते राशन वगैरह भेज दिता वा। शुक्र है लख एहसान है, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, बच्चे की वड्डी जिंदगी देवे, अल्लाह करे। ओ असा बुढ़ बुढ़े से ती कहीं गल गो, शुक्र मेरा अल्लाह वाले साढ़े उत्ते वा तरस की बैठे, वा निगरानी आँगी, लख एहसान है, दुआ करें उठते बहाने, या अल्लाह अल्लाह मियां को पोता देवे, बुलाई गरीब ते तरस करें। अम्मा जी बहुत लोगों की वीडियो बनाते हैं, असं बहुत लोगों के कोल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इदा दे जिन्हों की हेल्प नहीं आती, मदद नहीं आती, कोई नहीं भेजता। कुछ लोग इदा वा कि उन्होंने एक बार कोई भेज दिता वा, दोबारा नहीं भेजता। लेकिन तुम खुश नसीब आ कि तुम जी बेटी बनी हुई है, तुम हर दफा भेजती रही है ना। शुक्र है लख एहसान है, अल्लाह मियां तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह मियां बच्चे की वड्डी जिंदगी देवे, अल्लाह करे खुशियां देवे, अल्लाह बच्चे की वड्डी जिंदगी देवे, अल्लाह मियां कोई वड्डी जिंदगी वाली नूह देवे अच्छी सेहत वाली, अल्लाह करे जरी हुकम मंजे ते बिलाते रोटी पानी देवे, अपनी खिदमत करे उंदी, अल्लाह मियां बहुत देवे, अल्लाह मियां तंदुरुस्ती रखे, उनके न्याणियों की उनकी भी तंदुरुस्ती रखे, उनके बंदे की भी, अल्लाह मियां बहुत देवे, भलाई साढ़े निगाह करें, भलिए साढ़े बच्चे ने निगाह करें, गिन बेली दुखे सुखे वेले भलाई, अल्लाह मेहरबानी कहीं दी गल अंगो हूँ को, अल्लाह मियां तरस देवे, भलाई गरीब दे निगरानी करें, गिन बेली यूं हुना को भी लख एहसान नु दे, दुआ करें उन्होंने बच्चे को। अम्मा जी बहुत सारी दुआएं दे रही हैं। अम्मा जी कह रही है कि अल्लाह ताला ने जो है उनके दिल में हमारे लिए नरमी पैदा की है और हमारे लिए एहसास पैदा किया है, हमारी मदद कर रही है। अल्लाह ताला उनके लिए भी ऐसी आसानियां पैदा करें, उनकी भी ऐसी मुश्किल आसान हो, उनकी भी परेशानियां दूर हो। जैसे कि अम्मा जी के पास राशन आ रहा है, बाकी बेटा जो है वो भी आपको पता है, हर वीडियो में बताया है कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मजदूर है और सही तरीके से कमा नहीं सकता, फिर भी वो उसके बावजूद मेहनत मजदूरी कर रहा है, और अपने जो उनके उसके भी बच्चे हैं उसका पेट पा रहा है। अम्मा जी तेरे पोते पोतियाँ किन्ने आ? मेरे पोते है गया चार पोतियाँ, एक पोता ते त्रै पोतरिया, चार बच्चे उसके भी हैं और उनको भी पाल रहा है और इनको भी पाल रहा है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे जो इनकी मदद कर रहे हैं।
अम्मा जी थोड़ा ना थोड़ा जो सफाई का ख्याल रखा करो, थोड़ा बहुत चलो ज़्यादा नहीं, गुरबत जी है वह तो अल्लाह ताला तरफों है वा, लेकिन अपनी बहू नू कह के थोड़ा बहुत सफाई का ख्याल रखा करो घर ना, बीमारियां सफाई है सारी, क्या करा मैं, कुछ आखिया तो हथों लड़न कि तैयार थी वही है। नहीं आड़ी तुसी कहने असी बीमार आ, साढ़े बच्चे बीमार आ, ये बीमारी की असल वजह यही आ कि इदा कूड़ा करके हर वक्त घर मौजूद हुंदा वा, तो घर च ज़्यादा सफाई नहीं हुंदी। हूँ क्या करिए, हूँ लड़ा हूँ नाल सारा कुछ कूड़ा छूड़ा मिलन वाली बारी मां जाने नहीं आई, हूँ दे हाथ ना मेरे हाथ अगर नहीं, मेरे हाथ बस सालन रोटी ये पकावनी, वो कहीं ले सड़ गया तो कहीं ले सुक गया तो कहीं ले कि क्या करूँ, एक निगाह कुछ कम है मां के दे के दे। हूँ न्याणे तो कि बेच मैं ख्याल करा, न्याणे को मरेंदी है बेठी थप्पड़ मरेंदी है, कहीं ले मंदे देंदी है मर पवो ये थी मां के दे मरा। अब हमें आए हुए 5 या 10 मिनट होंगे हो गए हैं और स्मेल से और इस गंदगी से मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि घर में ऐसे कूड़े का ढेर भी ऐसे ही लगा रहा होता है, और जो है ना सफाई का हर दफ़ा आके बताया जाता है कि थोड़ी बहुत सफाई का ख्याल रखें, और जो है ना बुहारी दे से इतना रखे थे बुहारी दे से उतना रखे थे उतो चाहते बोला बुहारी दे से और बकरी दे पर। तो जो अम्मा जी की बहू है वो थोड़ी दिमाग की भी कमज़ोर है, वो मतलब एक नॉर्मल नहीं है, उसे भी बात समझ नहीं आती, जितना मर्जी कहें उसे समझ नहीं आती। बाकी है कि उसे काफ़ी दफ़ा आके समझाया है कि थोड़ा बहुत जो है ना अपना सफाई का और अम्मा जी का ख्याल रखा किए करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह राशन जो है हर महीने इनको मिलता है, उसके अलावा थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं, तो ये है कि बाकी दो लोग अम्मा जी हैं इनके बच्चे हैं, इनका गुजारा बहुत अच्छा नहीं तो नॉर्मल गुजारा हो जाता होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं सफाई का ख्याल रखते, तो ऐसे मेरा दिल ख़राब हो रहा है और ऐसे अभी मुझे लगता है कि उल्टी आ जाएगी। अम्मा जी एड़ा मतलब राशन ना तड़े वास्ते ना राशन की जरूरत ही हर चीज़ मौजूद है, जिदा हर पहले भी हर चीज़ मौजूद होती है, आटा भी आदना ते ए पैसे आ 15,000 रुपया ठीक है ठीक है लाख है ते तुसी ओना वास्ते बस दुआ करियो अल्लाह मियां बहुत तड़े विच अल्लाह मियां तंदुरुस्ती रखे बच्चे दी हुंदी अल्लाह मियाँ बहुत देवे जिंदगी अल्लाह हयाती देवे से अल्लाह मियाँ तंदुरुस्ती रखे से अल्लाह मियाँ हूँ तो सारे बच्चों को दुई मंग दूँ शाम सवेर रात को जिले सुन दूँ तो बुला देख नुआ दूँ हूँ अंधारा है या अल्लाह हूँ बच्चे दी अल्लाह जिंदगी रखे अल्लाह मियाँ तंदुरुस्ती देवे से अल्लाह ताला अम्मा जी के लिए आसानियाँ पैदा करें और उनकी मुश्किल आसान करें, और अल्लाह ताला सिस्टर हमीदा खातून के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनकी मुश्किल आसान करें, उनकी परेशानियाँ और तकलीफें दूर करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।